एससी एक्ट में बदलाव के विरोध को लेकर लखनऊ में लोग सड़कों पर हैं और आप देख सकते हैं कि नाराजगी जाहिर की जा रही है। लोग हाथों में हथकड़ियां लगाए हुए हैं। ये हथकड़ी किस लिए? हम लोग मैडम जेल जाने तैयार हैं, लेकिन संविधान में छेड़छाड़ बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है और उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन ये तथ्य दिया जा रहा है कि इसका बहुत दुरुपयोग भी हुआ है और इसीलिए इस रिकॉर्ड्स के आधार पे कहा जा रहा है कि इस तरह का होना चाहिए। देखिए, ऐसी बात है कि दलित एक्ट का दुरुपयोग कहीं भी नहीं हुआ। वास्तव में आप समझ लीजिए कि दलितों पर जब मुकदमा दर्ज होता है तो वो किस तरीके से मुकदमा दर्ज कराने के बाद केस डायरी तैयार होती है, कहीं न कहीं उसमें बहुत सरकार की खामियां हैं। सरकार पैरोकारी अच्छी तरीके से नहीं करती, इसलिए हम लोगों का यह कहना है कि जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल करके पब्लिक को बेवकूफ बना रही है उससे हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि वो अविलंब संसद का स्पेशल सत्र बुला के कानून, कठोर कानून बनाकर एक संवैधानिक परिपाटी को आगे बढ़ाए, अन्यथा पूरे प्रदेश में आज उसी के विरोध में हमारे 8 लाख आरक्षण समर्थक कार्मिक आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी आंदोलन करते रहेंगे। भारत बंद का ऐलान किया गया है, भारत बंद का ऐलान है, क्या इससे लगता है पूरे प्रदेश के 8 लाख आरक्षण समर्थक कार्मिक भारत बंद का समर्थन करते हैं, लेकिन हम अपने सभी आरक्षण समर्थकों से अपील करेंगे कि संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्व तरीके से बाबा साहब की परिपाटी को आगे बढ़ाए, कहीं किसी हिंसक वारदात में वो शामिल ना हो। काले झंडे लिए हुए आप लोगों ने, विरोध कहां तक जाएगा? काला झंडा, ये तो देखिए काला झंडा लेकर हम लोगों ने कि ये प्रोटेस्ट किया, अपने कार्यालय में जाके काम करेंगे। इसका हमारा यह है कि हमारे साथ काला कानून बनाकर वो किया जा रहा है, इसलिए एक अच्छा संवैधानिक कानून बनाकर हमें हमको न्याय दिया जाए। ये जो समर्थक है आरक्षण संघर्ष समिति के लोग हैं, तमाम जो संगठन है काम कर रहे हैं उनकी ओर से विरोध किया जा रहा है आज, और ये जो भारत बंद है इसका समर्थन किया जा रहा है और मांग यही है कि कम से कम संविधान के साथ छेड़छाड़ ना की जाए और सरकार अच्छे से पैरोकारी करे कोर्ट में ताकि दलितों को उनका अधिकार मिल पाए। मनाज सतनामिका सिंह।